जनपद में एक सप्ताह पहले गुवाहाटी एक्सप्रेस से आरपीएफ के दो जवानों की हत्या कर सेवराई तहसील के बकनिया गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया था। गाजीपुर पुलिस, स्वाट टीम, एसटीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी शराब तस्कर हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी अभियुक्तों को पटना निवासी विनय कुमार, प्रेमचंद, पंकज कुमार, वीरेंद्र कुमार को जनपद पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम, एसटीएफ, जीआरपी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। थाना गामर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभियुक्त प्रेमचंद कुमार की निशानदेही पर मृतक जवान प्रमोद कुमार और जावेद का मोबाइल फोन और पर्स बरामद किया गया। यह पर्स जावेद का था। सामान बरामदगी के दौरान ही अभियुक्त प्रेमचंद अचानक उप निरीक्षक सुरेश मौर्य का धक्का देकर उनकी सरकारी पिस्टल छीन और ट्रैक से नीचे झाड़ियों की तरफ भागकर पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, इसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे अस्पताल में दाखिल कराया। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक सरकारी पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन बदमाशों पर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई थानों में तमाम मुकदमे भी दर्ज हैं।